जय हिंद। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एजे स्टडी वाईटी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस 2023, बहुत बच्चों का लगातार कमेंट था, डाउट था इसका रिजल्ट कब आ रहा है और बारीकी से आप सभी को फाइनली जो है आउट हो चुका है। कैसे रिजल्ट चेक करना है, रिजल्ट का लिंक आउट हुआ है और कैसे रिजल्ट चेक करना है सब कुछ बताना है, वीडियो को लास्ट तक बन रहना। साथ ही जो बहुत सारे बच्चे एक डाउट रहता है, बहुत जब से आप सभी का एग्जाम खत्म हुआ था तब से ही और उसके बाद जब से आप सभी का आंसर किया आउट हुआ उसके बाद तो कहो मत, बहुत सारे लगातार कमेंट ही कमेंट आने शुरू हो गए किसका रिजल्ट के बारे में अपडेट बताइए, कब रिजल्ट आ रहा है, क्या रहा है, सब कुछ बताने वाला वीडियो को एक ही वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक बन रहना। सबसे पहले साथ कि बहुत सारे पेपर में भी पढ़ सकते हो, नीचे लिंक भी दिया है, जाकर पढ़ाई भी कर सकते पढ़ सकते हो। लेकिन साथ उससे पहले नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम का जाकर देख लेना, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाओ। सबसे पहले गलती मत करना, पहले जाकर ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको बारीकी से कह रहा हूँ, जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ तो हो जाओ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रिजल्ट चेक करने के लिए क्या कर रहे हो। पहले तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन कर, मैं ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया हूँ और सबसे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के है, देखिए और बच्चों का जो डाउट था, बहुत सारे बच्चों के भी डाउट था कि मेरा 75 नंबर है, कोई मेरा कमेंट करता मेरा 45 नंबर है, कोई कमेंट कर रहा था मेरा 33 नंबर है, इस टाइप से भी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो पहले डाउट आपको क्लियर कर ले रहा हूँ, उसके बाद आप सभी को बताने वाला रिजल्ट के बारे में। तो साथियों, उन बच्चों को जिस बच्चों को डाउट था जो कमेंट कर रहे थे मेरा 45 नंबर है, इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं, एमपी पुलिस का में मेरा भर्ती होगा कि नहीं होगा, तो उस बच्चों का डाउट यहाँ पर क्लियर करता हूँ। देखो यार, जो कट ऑफ की बात की, वो कट ऑफ आपको मैं बता देता हूँ जो ऑफिशियल तरफ से निकल के आ रही है। देखो, इस बार का जो कट ऑफ निकल के आ रही है ना ऑफिशियल तरफ से, वो पहले बता देता हूँ आप सभी को। मान चलो अगर आप जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सब कैटेगरी में बता देता हूँ आप सभी को पहले, उसके बाद रिजल्ट के बारे में बताऊँगा रिजल्ट कैसे चेक करना है, क्या डेटा है, क्या। तो चलिए आप सभी से वो भी बात कर लेंगे, पहले इस चीज़ को जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, सब तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी की हो, यहाँ पर जी लिख दिया हूँ, और ओबीसी तो ओ लिख दिया हूँ, एससी हो तो एसटी हो तो एसटी लिख दिया हूँ, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से मैं बता दूंगा। तो जनरल कैटेगरी से हो तो आपको लाने पड़ेंगे यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, 55 से 60 नंबर के बीच में। ओबीसी हो तो यहाँ पर 53 से प्लस रहेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, 53 से 57 के बीच में रहेगा, 58 में रहेगा सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग सीट है, गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ। एससी कैटेगरी की अगर हो, एससी कैटेगरी चाहिए, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको लाने पड़ेंगे 50 से प्लस, 55 से 56 भी रहेगा। अगर एसटी कैटेगरी हो तो एसटी कैटेगरी के क्या ऐसा, तो उनके लिए यहाँ पर 48 प्लस है, बहुत बढ़िया खुशखबरी है चीज़ें के लेकर। और यहाँ पर सबसे जो बात आती है आप सभी को ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर गई है, ईडब्ल्यूएस के 63 से लेकर प्लस है। सोचो कि जहाँ पे 55 प्लस से 60 बे कट ऑफ जा रहा था जनरल के, वहीं पे जनरल से भी हाई कट ऑफ गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो यानी कैटेगरी वाइज आपका जो है ईडब्ल्यूएस से थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बट और कैटेगरी में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप कमेंट करने के मार्क को जरूर बताना कि आपका कितना आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ आप सभी को गर्ल्स के बारे में, पहले जान लीजिए। सबसे जो गर्ल्स के बारे में जो अपडेट है, यहाँ मान लीजिए 55 से 60 नंबर के बीच में जनरल कैटेगरी के लिए है, तो यहीं पे आपको दो दो नंबर, तीन तीन नंबर आप माइनस कर दीजिएगा, दो नंबर एवरेज रखिएगा, 2.5 नंबर है, 2.25 के आसपास है, बट आप दो नंबर ही एवरेज रखिएगा, वही कट ऑफ गया है गर्ल्स के लिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ के लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि कट ऑफ जो परसेंटेज है मैं बता रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है, बहुत बढ़िया अपडेट है आप सभी के लिए। तो चलिए अब मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, यहाँ पर आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट नया निकल के आ रही है और कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्यों साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, एक और चीज़ आप सभी को खुशखबरी में देना चाहता हूँ। आप लोग शायद सुने होंगे नाम नॉर्मलाइजेशन का, मैं ले देता हूँ, आप लोग शायद नाम सुने होंगे साथियों नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आप सभी को मैं बता देता हूँ। और इस बार जो कैटेगरी वाइज जो रैंक है आपका, मान लीजिए जिस बच्चों का 55 नंबर आया है और मान लीजिए उसको चाहिए 62 नंबर चाहिए, तो नॉर्मलाइजेशन इस पर कैसे हो रहा है, जिसका जो है ना आपने अगर आंसर की चेक किया होगा तो आपका 55 ही नंबर शो किया होगा, बट वहीं पे अगर आपका जो आपका रिजल्ट बन रहा है वो आपका नॉर्मलाइजेशन ऐड करके बन रहा है। नॉर्मलाइजेशन में माइनस में भी नंबर आपका जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है। पहले आप समझ लीजिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद थोड़ी सी बात आपको रिजल्ट के बारे में पूरा डिटेल बताता हूँ। मान के चलो आपका कोई 17 नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा हार्ड था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था इस 17 नंबर क्वेश्चन में, और बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया, लगभग 95% अटेम्प्ट नहीं किए, 95% अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन था तो बहुत लोग कम ही अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि कट ऑफ जाता है, तो 5% अटेम्प्ट किए और आपने अटेम्प्ट किया और आपका सही हो गया। तो मान के चले पे जहाँ पे आपका एक नंबर मिलने वाला है, इसका तीन गुना नंबर बढ़ जाता है, 3x हो जाता है, तीन गुना चार गुना इस प्रकार से बढ़ जाता है, जिस प्रकार से परसेंटेज वाइज आपका जो है अटेम्प्ट ही जाता है उसके अनुसार।
तो मान के चलो कि जिसका बच्चों का मान के किसी को 55 नंबर आया है तो उसका बढ़ के यहाँ पर नॉर्मली बढ़ा जाए तो यहाँ पर 5 नंबर भी बढ़ सकता है, 7 नंबर भी बढ़ सकता है। इस चीज़ को बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिला है इस बार, तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बहुत बच्चे चेक करते हैं रैंक IQ जैसे वेबसाइटों से, तो उस वेबसाइट से दूर रहिए, वो एक तरह से बहुत सारा फेक वेबसाइट है, क्योंकि उसमें मैं रिकमेंड कभी नहीं करूँगा उस वेबसाइट से आप जुड़े रहने के लिए, क्योंकि उसमें गलत ही आपको देखने को जानकारी मिलते रहेंगी। तो चलिए अब मेन टॉपिक की ओर यहाँ पे चलते हैं, आप सभी को रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आई है। और उससे पहले मैं सच आप सभी बार बार कहता हूँ, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए AJ Study YT, आपको मिल जाएगा, जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहीं पर अपडेट में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जाकर जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आप सभी से बार बार कहता हूँ AJ Study YT टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया अपडेट और सबसे पहले अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मेन टॉपिक पर चलते हैं आप सभी को रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो साथियों जो आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग जो अपडेट नहीं है निकल के आ रही है वो है, जैसा कि हमने कल परसों में बताया था, परसों में मैंने वीडियो बनाया था, परसों ही मैंने बताया था रिजल्ट आपका आ जाने वाला है रात में, बट वो अपडेट थी वो भी बताया गया था इधर उधर से, जैसे मैंने जो अपना जो प्रक्रिया उससे पता लगाया था तो बताया गया था रात में रिजल्ट आने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ। तो आज फाइनली जो है एक दिन बाद लगभग पेपर में भी आउट हो चुका है, और लगभग इस चीज़ को लेकर आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी भी निकल के आ चुकी है कि आज आपका पेपर के अनुसार जो बताया गया है, हो सकता है ये भी कैंसिल भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जाता है, लेकिन जो बताया गया उस समय बताता हूँ, आज आपको रात में रिजल्ट देखने को मिल जाएगी शाम के 5 बजे के आसपास। लेकिन कहाँ से मिलेगी वो पहले बता देता हूँ। देखो यार, सबसे पहले रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करना है, मैं तो खोल लिया ऑफिशियल वेबसाइट, आपको भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप सभी को, रिजल्ट वाला एक सेक्शन दिखेगा, पहले यहाँ दिखाता हूँ होम पेज पर आने के बाद आपको, जिसको अगर ये पेज पता नहीं होगा इसका मैं लिंक दे दूँगा, जा सकते हो इस रिजल्ट वाले सेक्शन में, मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे रिजल्ट वाले पर क्लिक करता हूँ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद साथ आपको जो है जो रिजल्ट के एग्ज़ाम देखना है रिजल्ट, उसके बाद 2023 के मान 2023 पर क्लिक कर देना। उसके बाद साथ क्या करना है, रिजल्ट चेक करने के लिए आपको ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर एक ब्रैकेट देख कर ऊपर में रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, साफ साफ सब कुछ देखने को मिल जाएंगे यहीं पर ही। और सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना, उसके बाद ही और वेबसाइटों पर, क्योंकि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट किया जाएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं उस समय लाइव आ रहा हूँ आप सभी के लिए रिजल्ट को रिगार्डिंग ही। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी आप सभी के लिए। और साथ में आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, एक वेबसाइट है जहाँ से आप सभी को रिजल्ट चेक किया जाता है, SarkariRezult.com, आप जा सकते हो SarkariRezult.com से भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं ओपन कर रहा हूँ तो ओपन हो भी चेकिए, और इस SarkariRezult.com वेबसाइट है, यहाँ से भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल बिना परेशानी के। अब चलिए आप सभी को मैं बता दिया सब कुछ, आपको सभी को एक ही वीडियो में सारा चीज़ क्लियर कर दिया हूँ सारा डाउट। लेकिन जो बच्चों का फेक लग रहा है, कोई फेक बात नहीं बताएं आप सभी को, नहीं तो लगता है लोगों का कमेंट आता है इस प्रकार से, तो आप सभी को डाउट बिल्कुल भी चिंता से मत बनाइएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए 5 बजे रिजल्ट नहीं आता है, अगर शाम को 12 बजे रिजल्ट आता है तो मैं उस समय ही लाइव आऊँगा, तो आपका नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तो आपको नोटिफिकेशन बेल आवाज़ चले जाएगी, तो इसलिए हम चैनल सब्सक्राइब नोटिफिकेशन को ऑन जरूर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।